नियते शौक भर न जाए कहीं। कोक स्टूडियो में गाना गाया हुआ है मैंने, नेस्कैफे में भी गाया हुआ है मैंने, प्लेबैक भी किया हुआ है। हर किसी को गा लेती हैं आप तो, पूरी हर फन मॉल है। वे घड़ा कुभन सटा, बहुत दिल से ये गाना गाया। आई एम द फर्स्ट फीमेल सिंगर ऑफ पाकिस्तान जो कि रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड इंडिया में नॉमिनेट हुई है, फिर बीबीसी एशियन म्यूजिक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेरी वार्म वेलकम। मुझे कहते हैं मरवा अंसर चौधरी। आज हमारे साथ एक ऐसी खूबसूरत सी प्यारी सी शख्सियत मौजूद है जिनकी आवाज दिलों के तार छेड़ती है, और बहुत ही कम टाइम में उन्होंने अपना ऐसा मकाम बनाया है कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर कर दिया है। हम इस वक्त मौजूद हैं महक अली गुलुकारा के घर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू आने के लिए। वेलकम जी, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके कि इतनी कम टाइम में, इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा मकाम बनाया। कहा जाता है कि शौक का कोई मोल नहीं होता, तो इन्होंने भी शौक के तहत इस इंडस्ट्री में आईं और फिर आके छा गईं। ननकाना से इन्होंने आगाज़ किया, लाहौर आईं और फैमिली से लड़कर इस इंडस्ट्री में कदम रखा। यकीनन बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट हुई होंगी और मुसलसल मुश्किलात तो आती हैं। मैं जिस बड़ी टिपिकल सी फैमिली से हूँ, बड़े सादा लोग हैं। ननकाना, जब ननकाने का नाम आता है तो ननकाना बैकवर्ड सिटी है, लेकिन लोगों के माइंड सेट अभी बहुत सादा हैं, सादा लोग हैं, उनको मीडिया का नहीं पता। तो ये ऐसे ही है कि जब तक आप प्रैक्टिकली दिखाते नहीं हैं या विजिट नहीं करवाते हैं, उनको बताते नहीं, एक्सप्लेन नहीं करते, तो बताने का भी एक तरीका होता है। तो अम्मी ने तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया था कि भाई नहीं करना है, जो मर्जी हो जाए, तो मरासी वाला काम करना है। तो उन्होंने मुझे मना किया कि म्यूजिक नहीं करना, 3 दिन मेरे से बात नहीं की। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं 2 साल घर नहीं गई, मैं लाहौर में रही हॉस्टल में। मैंने अम्मी को स्टूडियो विजिट करवाया, मैंने दिखाया कि अम्मी ये वोकल रूम होता है हमारा, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया। अब वो मैं भी हयात के ऊपर पिक्चराइज हो रहा है, वो किसी के ऊपर, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का अभी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा काम अच्छा कर रही है और बड़ा अच्छा नाम बना रही है, बल्कि इंटरनेशनली भी कांस में भी नॉमिनेट होकर उन्होंने अवार्ड विन कर लिया। तो मैंने उनको विजिट करवाया, तो उन्होंने कहा तो बड़ा सादा काम है, मतलब मैं तो समझ रही थी कि पता नहीं क्या सीन होता होगा, क्या सीन होता। तो बिल्कुल ये कि जब तक आप बताते नहीं है, सादा तरीके से बताएं, उनको समझ आ जाती है। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं हर जगह कोट भी करती हूँ, मैं हमेशा अपने उन सब लोगों का शुक्रगुजार रहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे हमेशा क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उनके क्रिटिसिज्म की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अगर मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करते तो शायद मैं मेहनत नहीं करती, इतनी जद्दोजहद नहीं करती। तो मैंने मेहनत की और फिर मैंने इस काम को हासिल किया। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब आप किसी काम को लेके आगे बढ़ते हैं, कोई इनिशिएटिव लेते हैं और कुछ करने की ठान लेते हैं, उसमें आपको हर्डल्स तो आती ही आती हैं, मगर साथ ही आपको उन लोगों का भी सामना करना पड़ता है जो आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कुछ सुनाएं। मैं बांदी सुनाऊंगी और उसके बाद आपदा जी का ही एक कलाम सुनाऊंगी, तो पहले आपदा जी का सुना दो। जी जी। वे घड़ा ते कुभन सटा, वे घड़ा ते कुभन सटा, मेरे महबूब दी चीज रलाई एक भार ते डा दूजा भार पानी दा तीजा वेंदा ए जान दे नाल रलाई हो बाह मरोड़ी चूड़े वाली बाह मरुड़ी चूड़े वाली दूजी गल गिराती पाई हो सुन मियां साहेब नाम सुन मियां साहेब नाम वक्त घड़े दा साड़ी उम्र गई अजाड़ी दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम इकला कोलों में डर दी
एक मौला कोलों में डर दिया माही यार दी गड़ोली भर दी सोने यार दी गड़ोली भर दी दम अली दम दम अली दम दम अली दम दम। बहुत ज़बरदस्त महक, आपने इतना अच्छा गाया और वाकई आपका कलाम इतना अच्छा है, इतना रूहानियत महसूस होती है सुनकर, और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी बहुत पसंद आया होगा। ये हमारी बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त महक इतनी ज़्यादा फेमस हो गई हैं कि बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर इनका जो बिलबोर्ड है वो आवेजा किया गया और पूरे वन मंथ के लिए, और अमरीकियों को भी शक्ल याद होगी अगर, ये पाकिस्तान के लिए फख्र की बात है। और आप यकीन माने कि जब मुझे कॉल्स आती थी ना वहाँ की जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और एक खातून थी उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा, मेरे पास पड़ा होगा, तो वो रो रही थी, कहती कि हम लोगों को ना मतलब वहाँ पे इतना नहीं माना जाता है, गोरों का मुल्क है और पाकिस्तानी मतलब ठीक है ज़रा बराबर वहाँ पे रहते हैं, तो आपने हमें प्राउड फील करवाया, तो ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हमारे घर से कोई निकला है और उसकी तस्वीर लगी हुई है। घर वालों को कितनी खुशी हुई? बहुत ज़्यादा खुश थे। पहले तो मेरी फैमिली इतनी सादा है कि मुझे उनको बताना पड़ता है, मैंने अपनी बहन को बताया कि मेरा बिलबोर्ड लगा है, तो कहती अच्छा ठीक है। बहुत सी फिल्मों के गाने इन्होंने गाए हैं, जैसे फिल्म आई थी देख मगर प्यार से, उसका जवानी पर नहीं आनी, हाँ, उसमें भी आया काला डोरिया जो मैंने गाया था 2015 में, और वो मोस्ट गूगल सॉन्ग था 2015 का, वो हर साल एक लिस्ट आती है ना कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गूगल की गई, तो काला डोरिया लोगों को पता नहीं था कि वो मैंने गाया, तो अच्छा। मैंने ऐसे जैसे आप बैठे हैं मैंने बताना कि वो गाना मैंने गाया, तो मेरा चेजा हो जाना कि अच्छा, और गूगल करने के बाद उनको पता चलना कि महक नहीं गाया तो, और अल्लाह भला करे जो सीनियर्स उस वक्त थे मेरे, तो उन्होंने ये मेंशन करना भी गवारा नहीं किया था कि वो मैंने गाया है। अच्छा। तो लोगों को ये लगता था कि इंडिया से, और उन्होंने फिर इसको पक्का कर दिया कि हाँ वो एक इंडियन लड़की थी जिससे हमने गवाया था, तो वो अच्छा। वैसे आपकी जो लुक्स है ना वो भी थोड़ी थोड़ी इंडियन है। अब हाँ। ये भी मैं ऐड ऑन कर दूं, मेरे जो दादा थे वो लुधियाना से थे। अच्छा। और उनकी आगे से जनरेशन हम है, मेरी बाकी फैमिली सारी वहाँ पे। सही, तो फिर वो फिर फील तो आ जाती है। अच्छा, ये इतनी शादियों के सॉन्ग्स गाए तो खुद शादी नहीं की? नहीं, खुद नहीं की। जब मेरा वक्त था, मतलब अभी भी टाइम है बहुत ज्यादा, तो मैंने उस वक्त फोकस ही सब कुछ उस पे किया, इश्क जो है वो मौसीकी से कर लिया। बिल्कुल, इश्क पे मेरी पहली मोहब्बत म्यूजिक है, और बात का मुझे पता नहीं है जिंदगी में। हाँ, दोस्त वगैरह बहुत है, ऐसा नहीं कि कोई आया नहीं जिंदगी में, आते रहे लोग, लेकिन है कि वही कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती है, या जिस तरह से आप सोचते हैं, तो मेरे ख्याल से आप कोई भी रिलेशनशिप में आए ना, तो उसमें रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो अभी यही चाहती हैं कि सिर्फ म्यूजिक हाँ, रखा जाए। मेरा इस चीज पे बड़ा यकीन है, जो मेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा हुआ मुझे वो जरूर आएगा, जहाँ भी है जल्दी आ जाए। जल्दी आ जाए जी, अगर वो सुन रहा है तो आ जाए। अच्छा, काला डोरिया हो जाए फिर जी। ठीक है, अगर आपकी शादी होने वाली है होगी तो फिर ये आपके लिए। मेरी हो चुकी है। पुरानी को डेडिकेट कर देते हैं। हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं, बिल्कुल। जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए ये सॉन्ग है महक की जानिब से। बिल्कुल। काला डोरिया कुंडे नल लड़े आई होए, ओ छोटा देवरा पाबी नल लड़े आई होए, ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ कुड़ कुड़ कर दिए, सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी, नहीं जाना जी। जबरदस्त जी, ये भी बहुत खूबसूरत गाना है काला डोरिया, और सस कईयों की वाकई बुड़बुड़ करती है, मेरी तो बहुत अच्छी है। हाँ, तो इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि अकेला ही हो, जैसे हम अकेले। तो रेशमा जी को गाना बहुत मुश्किल काम है, और जो उनको गा जाता है मैं समझती हूँ बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, तो क्या रेशमा जी को गा लेती है? इसको कोशिश कह सकते हैं आप, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मैं उनसे बेहतर हूँ या मैं उनसे बेहतर कर सकती हूँ, तो क्योंकि वो लेजेंड थे, जो गाना वो गा चुके हैं या वो गा के चले गए, तो अगर उसको रीमेक भी करूँगी या दोबारा से कवर करूँगी तो उनके जैसा नहीं कर सकती, लेकिन कोशिश तो कर लेती हो सकती है। हाँ, चले जी। दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, दिल दी किताब ते लिखा तेरा नाम वे, तेरे कोलों वख हो के मैं मर जावे, तेरे कोलों वख हो के मैं मर जावे,
हथ जोड़निया मैं तेरे अगे वे, मैनू छड़ के ना जावी ढोले ना वे, मैनू तू 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 हाय मैनू तू 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 छड़ के ना जावी ढोले ना वे मैनू तू। जबरदस्त जी, ब्यूटीफुल, बहुत उम्दगी से इन्होंने ये गाना पेश किया है। बहुत अल्फाजों की जो अदायगी है वो बहुत खूबसूरती से इन्होंने पेश की है, और वाकई सहर सा तारी हो गया है माहौल पर, और यही लग रहा है कि आसपास रेशमा जी हैं। बहुत शुक्रिया, ये बहुत बड़े वर्ड हैं। बहक फूडी हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, और पंजाबी फैमिली से हूँ, तो मैं कुकिंग खुद भी बहुत अच्छी कर लेती हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो मैं पका के रखूंगी आप लोगों के लिए खाना। अच्छा, ठीक हो गया। तो फिर मैडम नूरजहां का गाना हो जाए। चला जाता है शायद दुनिया से, लेकिन उसका काम या उसकी आवाज पूरी जिंदगी हमारे दिलों में और दुनिया में जिंदा रहती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि आर्टिस्ट चले भी जाते हैं, उनका फन जिंदा रह जाता है। तो बातें बहुत सी हो रही हैं, महक अली से कहेंगे कि मैडम नूरजहां का एक खूबसूरत सा गाना सुनाएं। नियत शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, न मिला कर उदास लो बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। इंटरनेशनल लेवल पर एक आपका सॉन्ग बहुत हिट गया, वो बांदी था, जिसके लिए मुझे आपदा जी ने वीडियो पैगाम भेजा था, दुआएं दी थी, और वो गाना मैंने औरतों को डेडिकेट किया था, हर उस औरत को जो किसी भी फील्ड में औरतों की आवाज बन गई है। बिल्कुल, और इधर भी वुमेन क्रिएटर्स के एम्बेसडर थी, तो मेरे ख्याल से मेरे से अल्लाह को ये शायद बड़ा काम करवाना चाहते हैं, तो वो मैंने औरतों को डेडिकेट किया था कि औरत किसी भी फील्ड में हो तो उसको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, सब खवातीन के लिए था, कि उनको बूस्ट करने के लिए कि तुम लोग खड़े रहो। चलें जी, फिर खवातीन का गाना हो जाए। मैं पूछती हूँ खुद से मैं कौन हूँ क्या हूँ, फिर सोचती हूँ मैं तो मुसलसल एक सफर हूँ। मैं पूछती हूँ खुद से मेरा यार कहाँ है, फिर सोचती हूँ के है मुझ में पर दूर खड़ा है, मेरे तन इश्के दी लीड़नी मैनू आखो कोई फकीरनी, मैं हाँ रांझे दी हीरनी रांझे दी, मैं बांदी यार दी मैं गोली यार दी, ना मैं किसे घर वर दी ना मैं बाजार दी, मैं वादी यार दी। बहुत खूब जी, वाकई इन्होंने बहुत दिल से ये गाना गाया, और उम्दा अंदाज में जो ख्वातीन की नुमाइंदगी है इन्होंने की है,
और ख्वातीन की, इसीलिए तो ये हॉट फेवरेट है, राज पता चल गया। बिल्कुल, और इसके बाद शायद इसकी डबल मीनिंग हो जाएगी, क्योंकि मैं औरतों की वाकई में फेवरेट हूँ। मुझे औरतों के मैसेजेस आते हैं कि आई लव यू। ओहो, औरतें भी तो देखें, अब वो भी तो मोहब्बत का जज्बा रखती है ना। और नहीं चाहिए ऐसे जो, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखें, वो मर्दों का जो प्यार होता है ना, उसमें फिर भी थोड़ी मीनिंग्स आते हैं, लेकिन ख्वातीन का प्योर है, प्योर लव। अच्छा महक, बहुत से एजाजात भी अपने अपने दामन में समेटे हैं, एक नेस्कैफे का भी प्लेटफॉर्म आपको मिला। मैंने कोक स्टूडियो में गाना गाया हुआ है, मैंने नेस्कैफे में भी गाया हुआ है, मैंने प्लेबैक भी किया हुआ है, और आई एम द फर्स्ट फीमेल सिंगर ऑफ पाकिस्तान जो कि रेडियो मिर्ची म्यूजिक अवार्ड इंडिया में नॉमिनेट हुई है, फिर बीबीसी एशियन म्यूजिक अवार्ड्स में नॉमिनेट हुई। तो ये कहना कि इतने ज़्यादा अचीवमेंट्स, तो इसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की है और पॉजिटिव रही हूँ। ये मैं बार बार इसलिए मेंशन करती हूँ क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है, खलल या लालच आता है ना आपकी सोच में, नियत में, तो अल्लाह उसमें से बरकत उठा देता है। बिल्कुल, ऐसे ही है कि हर अमल का दारोमदार भी नियत पर होता है मुनकसिर। अच्छा महक, नैयरा नूर साहिबा के हवाले से भी आपने कहा कि उनको भी आप बहुत, आपने उनको भी फॉलो किया। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, जब मैं कॉलेज में होती थी तो मैं अक्सर, मुझे कॉम्पिटिशन में भेजा जाता था स्कूल कॉलेज की तरफ से, और मैं जीत के आती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तभी मेरे साथ मेरे उस्ताद इकराम की ब्लेसिंग्स थी। और उस वक्त आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, वो कहते थे कि जिसके 95% है ना आते हैं, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलम्स में ना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मेरे आते थे तो मैं पार्टिसिपेट भी करती, तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करती थी। फिर नैयरा नूर साहबा को भी ट्रिब्यूट होना चाहिए। उनकी एक बड़ी फेवरेट मेरी गजल है, वो मैं गाऊंगी। जी जी। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको, जरा सोचो, कसम तुमको, जरा सोचो, कि दस्तूरे वफा क्या है, गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। ब्यूटीफुल जी, बहुत खूब, और हर किसी को गा लेती हैं आप, तो पूरी हर फन मॉल है। बहुत शुक्रिया, पूरा पैकेज है। ये मैंने कोशिश की है क्योंकि मैं इनको सुनती रहती हूँ, तो इसलिए मेरी जुबान पे रहते हैं हमेशा। आपने देखा कि हमारी ढेर सारी बातें हुई महक अली से। अपनी मेजबान मरवान सर चौधरी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।